मैक्रो फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि डिस्टेंस जो है आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय सब्जेक्ट और दिस इज़ माय मैक्रो लेंस, आपका डिस्टेंस जो है सब्जेक्ट से 3 to 5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ M51 के मैक्रो लेंस की। दूसरे फ़ोन्स के मैक्रो लेंसेज के डिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा, डिफरेंट फ़ोन्स के मैक्रो लेंसेज डिफरेंट डिस्टेंसेज में फोकस करते हैं। M51 का 3 to 5 सेंटीमीटर तक फोकस करता है। M31S से भी अगर आप शूट कर रहे हैं उसका भी डिस्टेंस यही है 3 to 5 सेंटीमीटर्स। तो सपोज करिए ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा मैक्रो लेंस है, 3 to 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर मैं रखूँगा तो मेरा सब्जेक्ट होगा फोकस में। अगर मैं ज़्यादा क्लोज आ जाऊँगा तो भी आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ज़्यादा दूर रहूँगा तो भी मेरे इमेजेस जो हैं आउट ऑफ फोकस रहेंगी। तो सबसे पहला टिप यही है कि आपको क्लोज रहना है 3 to 5 सेंटीमीटर के बीच में, सो दैट योर सब्जेक्ट इज़ इन फोकस और आपका कैमरा लेंस जो है, मैक्रो लेंस जो है, वो अच्छे तरीके से शार्प फोटोज़ ले सके। दूसरी टिप ये मैं आपको देना चाहूँगा कि ऐसी जगह शूट कीजिए जहाँ लाइट जो है अच्छी हो, नेचुरल लाइट हो, काफ़ी तेज़ लाइट हो। बिकॉज़ मैक्रो फोटोग्राफी में होता क्या है, आपका कैमरा का लेंस और आपका सब्जेक्ट इतना ज़्यादा क्लोज होता है कि इसकी शैडो जो है, कैमरा लेंस की शैडो आपके सब्जेक्ट में पड़ सकती है जाने अनजाने, जिसकी वजह से लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा छुप जाती है, कम हो जाती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप आइदर आप बाहर नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो या घर पे, रूम पे, कहीं अंदर आर्टिफिशियल लाइट है, तो लाइट जो है बहुत तेज़ हो और आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़े, सो दैट आपका मैक्रो लेंस जब क्लोज आए सब्जेक्ट के तो उसकी शैडो पड़ने की वजह से लाइट लेवल्स जो है कम ना हो, ड्रॉप होंगी बट ज़्यादा ना हो। बिकॉज़ अगर ज़्यादा ड्रॉप होंगी तो आपकी इमेजेस जो है शार्प नहीं होगी, बहुत नॉइजी होंगी और शायद थोड़ा बहुत हिल भी जाएगा। तीसरे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्टेबल एकदम पकड़ के रखना है। जब आप फोकस कर रहे हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो आप क्लोज जाते जाओगे, ठीक है, क्लोज जाके 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 जब आप देखोगे कि सब्जेक्ट फोकस में आ चुका है तो आप एकदम उसको स्टिल होल्ड करोगे, ना कि उसको यहाँ वहाँ हिलाओगे। एकदम स्टिल जब तक होल्ड नहीं करोगे तब तक आपका इमेज शार्प नहीं आएगा। स्टिल होल्ड कीजिए, उसका शटर बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प आ गई है, प्रोवाइडेड आप फोकस में हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है फोकस चेक करना कि आप फोकस में हैं, क्लोज डिस्टेंस जो है वो एकदम एग्जैक्ट है। सेकेंडली लाइट जो है आपके सब्जेक्ट पे वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, नेचुरल लाइट हो या आर्टिफिशियल लाइट भी हो तो भी काफ़ी तेज़ लाइट हो। और तीसरी चीज़ क्या बताया मैंने, आपका हाथ जो है स्टेबल होना चाहिए, वो शेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज शेक होगा तो इमेज जो है शेक हो जाएगी, तो दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई पर्सनली प्रेफर। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्रो फोटोग्राफी का जो फ़न है वो बहुत अमेजिंग है। मैक्रो फोटोग्राफी से आप वो चीज़ें देख सकते हैं जो आपको नेकेड आईज से दिखाई शायद नहीं देती हैं। तो अगर आप ट्राई करते हैं M51 से मैक्रो फोटोग्राफी या M31S से, बिकॉज दोनों के कैमरा लेंसेज आर एग्जैक्टली द सेम, तो आप M31S से भी वही मैक्रो फोटोग्राफी ट्राई कर सकते हैं जो M51 से आप ट्राई कर रहे हैं। अगर ट्राई करते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाओ, मुझे फ़ोटोज़ भेजो, मुझे दिखाओ, बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ भेजी है M51 और M31S से या डिफरेंट फ़ोन से क्लिक करके। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है आप लोगों की फ़ोटोज़ देखने का और स्पेशली ये देखने का कि यू गाइज़ आर रियली वर्किंग हार्ड टू क्रिएट पिक्चर्स, और जहाँ पर आप मेहनत करोगे ट्रस्ट मी वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। On that note, I'll end this video here. Like कर दो अभी के अभी, subscribe भी कर दो, because ऐसे videos future में भी आते रहेंगे जहाँ पे अपना जो मेरा knowledge है थोड़ा बहुत, जो मैंने 10 साल के photography career में सीखी है वो आपसे बांटना मैं हमेशा चाहता हूँ। Thank you so very much दोस्तों, और मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए video के साथ। नमस्कार।